नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि कल का ब्लॉग थोड़ा बहुत छोटा मोटा था एंड मोटा ब्लॉग जो भी था, तो और उससे पहले जो समस्तीपुर वाला ब्लॉग था तो उसमें साउंड की ओवरलैपिंग मतलब पहले नहीं देखा था, जो कि बाद में देखा तो पता चला कि जो एक मिनट तक है सो कि साउंड जो कि बहुत सवाल बाद में किया था तो वो पहले वाले में एडजस्ट हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से बढ़िया परफेक्ट ना रहा होगा और दोबारा री अपलोड नहीं किया, तो इसकी वजह से हाँ उसमें हैशटैग लगा के लिखते था, जिसकी वजह से क्योंकि यूट्यूब पर कम्युनिटी होता है जो कि री अपलोड शायद नहीं करना चाहिए और बार बार अपने वीडियोज को डिलीट नहीं करना चाहिए, तो आगे से इसका ध्यान रखूंगा क्योंकि एडिटिंग करने के बाद फिर से दोबारा उसे नहीं देखता हूँ, डायरेक्ट अपलोड करके और अपलोड कर देता हूँ। तो हाँ यदि उसमें अगर आप विजिट करना चाहेंगे तो फिर आप फिर से होगा, नहीं तो फिर से डिस्ट्रिक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन है तो उसे सिलसिलेवार तो उसे बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा। एज इट एज की जो पिछला वीडियो आया था जिसमें कि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था, जो कि क्वेश्चन से बन सकता था अपने यहाँ जो भी बिहार पीपीएससी का एग्जाम होगा तो उसके अंतर्गत यदि आप पूछ सकता है तो शायद एक दो पॉइंट रह गया जिसमें से कि इसकी साक्षरता दर क्या है, इसके लिंग अनुपात क्या है एंड इसमें कहाँ कहाँ पर्यटन स्थल है, तो इसे सिलसिलेवार बढ़िया तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाया तो इसके लिए एक और हो सकता है तो परफेक्ट वीडियोज को इंक्लूड करके बना दूंगा, जिसमें से कि हाँ वीडियो फुटेज के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है तो उसे इंक्लूड कर दूंगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, तथा सुबह से लाइट भी थोड़ा बहुत उतने परफेक्ट तरीके से नहीं रहता है एंड टेम्परेचर आज काफी ज्यादा है, तो फिर हाँ बच के रहें क्योंकि अभी बरसात जाने का मौसम है तो इस समय काफी ज्यादा गर्मियां जो कि उमस वाली गर्मियां होती है तो वह रहती है। मंगल फंड के लिए जो शेड्यूल बना हुआ था ऊपर से फट चुका है, जो कि अब टाइपिंग एग्जाम हो गया है तो इसकी अब जरूरत नहीं है एंड लाइट है। अभी सितंबर का महीना चला है लेकिन धूप अप्रैल मई के मौसम में जैसा रहता है वैसा फील कराता है, काफी जलनशील धूप है तो फिर हाँ नेचर थोड़ा बहुत परफेक्ट दिखता है एंड आजकल का जो भी ब्लॉग्स रहता है तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा टॉक हो जाता है एंड इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत कम रहता है, और जो मोटर ब्लॉग्स होता है तो उसमें मेजर गलती यह होता है कि हाँ लास्ट मोमेंट में जब वीडियो बंद करता हूँ तो समय तक भी हाँ जो भी बातें रहती तो उसे बोलता रहता हूँ, तो उसे शायद एडिट करने में भी थोड़ा बहुत टाइम होता है एंड हाँ उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे दूंगा। यदि कोई हाँ लगे कि यहाँ पर कुछ करना है तो कमेंट कर सकते हैं तो उसमें सुधार कर दिया जाएगा, और जो वीडियोज अपलोड हो जाता है तो उसमें तो म्यूट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उससे होल वीडियोज म्यूट हो जाता है जब ब्राउजर से जाकर एडिट करता है, क्योंकि री अपलोड करना उतना परफेक्ट नहीं माना जाता है, तो जिसकी वजह से हाँ आगे जितने भी ब्लॉग्स रहेंगे तो उसमें सुधार के साथ देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं कुछ ही क्षणों में। इवनिंग वीडियो क्लिप जब सनसेट थोड़े समय बाद हो जाएगी मतलब दो घंटे बाद, तब का यह व्यू एंड कुछ गाड़ियाँ गुजरती है थोड़ा सा इवनिंग में राइड एंड काफ़ी पेड़ पौधे हैं, बड़ा सा जंगल भी है फिर, और यह फीचर की दुनिया में इसके बाद रात में यहाँ पर पीछे ब्लू स्काई एंड मिलते हैं अगले सुबह।